हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हुकअप अचीवमेंट विद दीपाली क्लासेस में। ये जो हमारी डेली रोज ऑफ पॉलिटी की सीरीज है, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं साइमन कमीशन के बारे में। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अनाउंस करती है कि वो अपॉइंटमेंट करेगी एक स्टैचुरी कमीशन का, जिसमें कि 7 मेंबर होंगे और ये जो है रिपोर्ट पेश करेंगे कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है उस पर इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। और चेयरमैन होंगे इसके सर जॉन साइमन, और इन्हें रिपोर्ट पेश करनी थी 1930 में। इनके कुछ रिकमेंडेशन थे। पहला कि जो अबॉलिशन होगा डायरकी का, वो डायरकी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आई थी, और कम्युनल इलेक्टोरेट का कंटिन्यूएशन किया जाएगा। इसी के साथ एस्टेब्लिशमेंट होगा फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया का और प्रोविंस का, और एक्सटेंशन किया जाएगा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का प्रोविंसेस में। पर कुछ रीजंस थे जिसके कारण इसे बॉयकाट कर दिया गया। पहला कि जितने भी सारे मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे, और जो शेड्यूल दिया गया था उसके 2 साल पहले ही इसे अपॉइंट कर दिया जाता है। इनके जितने भी रिकमेंडेशन थे वो इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं थोड़े से चेंज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। आज की सीरीज में बस इतना ही। मिलते हैं नए दिन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।